स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने में बच्चों की प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन की भूमिका अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूलकर साहस को चुना, अपनी नई सोच से नया कुछ बुना, नई ऊंचाई पाने को नया रास्ता चुना। इन बच्चों पर देश को अभिमान है क्योंकि इनके ही सपनों से भारत का भविष्य महान है। नवाचार, वीरता, शैक्षिक उपलब्धि, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 6 श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 पदक, 1,00,000 रुपए की राशि और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। विजेता बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जेनरेटेड सर्टिफिकेट पूरी तरह से सुरक्षित है। ये अनूठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 व 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।